हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। और ये क्या है? ये होती है बेटा, यानी जो हमारे पास थर्ड तो क्या थी, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। और यहां पे जो हमारे पास जो डायमेंशन की एप्लीकेशन है, ये कौन से बेटा? इसमें है टू ड्राइव या टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटीज नॉट क्वांटिटी। हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपस में क्या निकालनी, रिलेशन निकालनी है, यानी एक इक्वेशन को ड्राइव करना है, एक इक्वेशन को ड्राइव करना है कि वो इक्वेशन आई कैसे, वो रिलेशन कैसे बनी हो। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो कैसे निकालते हैं वो देखो बेटा, इसको मैं इसे न्यूमेरिकल लेके चलता हूं। तो ये नोट करो एक बार पहले, तो न्यूमेरिकल क्या है बेटा, देखो मैं ले देता हूं। इफ द टाइम पीरियड इन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर लेंगे, इज डिपेंड्स अपॉन, दिस इज पे नंबर वन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नंबर टू मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, नंबर थ्री एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू मास ऑफ स्फेरिकल बॉडी को ले देंगे एम, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगी एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको ले देंगे जी। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन करो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। अगर वो टाइम पीरियड टी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल, दे रखा उसने मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो अगर डिपेंड करता है तो कितनी पावर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये सब फैक्टर्स का हमें निकालना है बेटा। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, तो टी का हमें डेरिवेशन करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो क्वेश्चन को नोट करो एक बार, ये सीरियल नंबर आगे पीछे कोई भी हो सकता है, लेंथ पहले आ सकता है, मास पहले आ सकता है, ग्रेविटी पहले आ सकती है, कोई भी आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई रिलेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो करिए देखो बेटा कैसे करते हैं इसको हम। उसने कहा कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन किसके बेटा, लेंथ के। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन किसके बेटा, मास के। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। आप इसको पहले आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसकी मैं पावर लिख देता हूँ ए इसकी पावर बी इसकी पावर सी। अब ये पावर फिक्स रखना, ये नहीं कि पावर भी चेंज कर दे। अगर एल की पावर ए लिखी है तो ए लिखते जाना हमेशा, ठीक है। जी की पावर सी तो सी ही होनी चाहिए। तीनों को कंबाइन करोगे, तीनों को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू एल टू पावर ए, एम टू पावर बी, जी टू पावर सी। इसको हटाओगे तो कॉन्स्टेंट टर्म लगाओगे, के लगा दिया, एल पावर ए, एम पावर बी, जी पावर सी। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सभी का डायमेंशन पुट करना होगा। एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन याद कर ले, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इस टाइम पीरियड का डायमेंशन पुट करें, इसका डायमेंशन क्या है, एम एल टी, एम जीरो एल जीरो, ओनली टी बचेगा, है ना, एम जीरो एल जीरो ओनली टी, टी भी कितना है वो, तो अकेला टी लिख दो सर। कॉन्स्टेंट के का वो डायमेंशन नहीं है। लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, और एल की पावर कितनी है ए, ठीक है। उसके बाद एम, मास का डायमेंशन एम होता है और उसकी पावर कितनी है बी। उसके बाद क्या है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू और उसकी पावर क्या है अस्सी। अब हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है, वो सारा काम कर रहा हूं मैं एबीसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है बेटा, एम जीरो एल जीरो टी वन, या एम एल टी की सभी की वैल्यू अलग अलग इकट्ठी कर लो और कनेक्ट कर लो। या एम, एम की पावर कितनी है बी, और एम कोई है ही नहीं तो एम की पावर होगी बी। एल यहाँ पे पावर है ए, एल है पावर ए, एल यहाँ भी है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो वन मल्टीप्लाई बाय सी क्या बनेगा सी, तो एल की पावर ए हो गया, यहाँ एल की पावर सी हो गया। फिर टी, टी की पावर माइनस टू और उसकी पावर सी, तो टी पावर क्या हो गया, माइनस टू सी। बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, क्या बचेगा, एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू एम बी, एल हो जाएगा ए प्लस सी, टी हो जाएगा माइनस टू सी। इक्वेशन मान लेते हैं नंबर सेकेंड, क्या करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहां भी मास लेंथ टाइम है, यहां भी मास लेंथ टाइम है, इन सब की पावर को कंपेयर कर लें, ए बी सी की वैल्यू क्या क्या आएगी बताओ बेटा। तो यहां एम की पावर बी, यहां एम की पावर जीरो, इसका मतलब बी इक्वल टू जीरो, यहां एल की पावर ए प्लस सी, यहां एल की पावर जीरो, इसका मतलब ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहां टी की पावर माइनस टू सी, यहां टी की पावर वन, मीन्स माइनस टू सी इक्वल टू वन, तो बी की जीरो तो आएगी वैल्यू। सी की यहां से निकाल लो कितनी आएगी, माइनस वन बाई टू, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी निकाल दो, ए किसके इक्वल आएगा, माइनस सी के, सी कितना है माइनस वन बाई टू, तो जो ए आ गया वो वन बाई टू आ गया। ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टी क्या बनेगा, टी आ जाएगा के, एल की पावर ए, एल की पावर ए, ए कितना है वन बाई टू, एम, एम की पावर बी, बी कितना है जीरो, जी की पावर सी, सी कितना है माइनस वन बाई टू। इसको और आगे से वो सही लिखें तो ये आ जाएगा के, एल की पावर वन बाई टू, जी की, एम की पावर जीरो क्या होगी वन, एम गया तो एल की पावर वन बाई टू, इसको भी नीचे लिया हूं तो जी की पावर कितनी होगी वन बाई टू, और मैं इसको आगे सिंपल फॉर्म में लिखू तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ऑफ अंडर रूट एल बाई जी। हमें आगे नहीं पता भाई के जगह क्या आएगा, जब आप आगे पढ़ोगे तो के की जगह पे टू पाई कॉन्स्टेंट होते हैं, कितना आता है टू पाई। तो आपको सर कहां से आए, ये मैथमेटिकल यूनिट होती है इसकी बेटा, आपको डायमेंशन में ओनली यहां तक करने में समझे, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या आएगा, k अंडर रूट एल बाई जी, ये आएगा, इसका मतलब
टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी पे डिपेंड करता ही नहीं है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट के। ठीक है, तो हमने ड्राइव कर लिया ना कि टाइम पीरियड का डेरिवेशन क्या होगा एल बाई जी, कितने ट्राई कर लेना मास लेंथ और ग्रेविटी में डायमेंशन यानी कि रिलेशन ये बन पाएगी, जी ऊपर नहीं आएगा एल नीचे नहीं आएगा ये बनेगा, इसके अलावा कोई इसका फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो डायमेंशन के एप्लीकेशन से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि क्या रिलेशन बन सकती है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में। ठीक है, कर लिया नोट। चलो और करते हैं क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए मेटल वेव मे डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट h स्मॉल h मास m एंड द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल, यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द लैम्डा। अब हमें वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालना है, सेम वही है जैसे हम पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन उसी टाइप का, तो क्या आएगा बताओ बेटा, बताओ। लैम्डा डिपेंड्स ऑन फैक्टर बताओ पहला, एच डिपेंड्स ऑन एच, लैम्डा डिपेंड्स ऑन मास एम, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी वी। ठीक है, तीन फैक्टर हो गए, ये पावर आ गई ए, ये पावर होगी बी, ये पावर होगी सी, तीनों को कंबाइन करो, तीनों को कंबाइन करेंगे इक्वल का के लगा देंगे हम, क्या बन जाएगा एच पावर ए एम पावर बी वी पावर सी। ठीक है, इक्वेशन होगी फर्स्ट। चलो आगे, उसके बाद हम सभी का क्या पुट करते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन पुट करो, लैम्डा का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू के कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस वन, पावर कितनी हो जाएगी ए, मास का डायमेंशन होता है एम, पावर हो जाएगी बी, वेलोसिटी की वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, पावर हो जाएगी सी। ठीक है, एम एल टी की पावर इकट्ठी करो बेटा, इधर तो एल ही है अकेला, बस ए की है, एम की पावर भी जीरो है एल की पावर भी जीरो है, तो एम कितना है यहाँ पे, एम वहां पे वन है और वन की पावर ए है, तो एम की पावर ए होगी, यहाँ एम की पावर बी भी है। चलो आगे, एल यहाँ पे कितना है बेटा, एल यहाँ पे टू और टू की पावर ए, तो एल की पावर होगी टू ए, एल और है ए ही रहा, एल की पावर सी, एल की पावर सी, टी यहाँ पे कितना है माइनस वन पावर ए, तो टी की पावर होगी माइनस ए, टी यहां भी है माइनस सी, सेम बेस है पावर सब क्योंकि एड करके चले जाओ, तो एल इज इक्वल टू एम, एम कितना हो गया ए प्लस बी, एम हो गया ए प्लस बी, एल कितना हो जाएगा टू ए प्लस सी, टू ए प्लस सी, और टी कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस सी। ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आप इनमें से ए बी सी की वैल्यू निकालो क्या आएगी, कंपेयर कर दो लेफ्ट और राइट हैंड को इन दोनों साइड में, तो यहां एम की पावर क्या है ए प्लस बी, यहां एम की पावर क्या है जीरो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एल की पावर क्या है टू ए प्लस सी, टू ए प्लस सी, और यहां एल की पावर टू ए प्लस सी, और यहां एल की पावर वन वन। ठीक है, यहां टी की पावर माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी, और यहां टी की पावर जीरो है ही नहीं, जीरो। वैल्यू निकालो भाई कितनी आएगी ए बी सी की, एक काम कर दे हम दोनों इनको आपस में क्या करते ऐड कर दे इसको और इसको, एक काम करो उसके इक्वेशन मान लो थ्री, इसको मान लो फोर, इसको मान लो फाइव, फोर को और फाइव को ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा टू ए प्लस सी इक्वल टू वन एंड माइनस ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, कैंसिल क्या बचेगा ए इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई,
ए की वैल्यू कौन आएगी, तो बी यहां से आ जाएगा फ्रॉम थ्री, तो यहां पे जो बी आ गया है वो माइनस ए होगा ना, माइनस ए, और ए कितना है वन, तो जो बी आ गया वो माइनस वन आ गया, ए भी आ गया बी भी आ गया, ठीक है। सी यहां से निकालो, सी यहां से निकाल लो, सी निकालोगे सी इधर जाएगा, तो सी कितना होगा माइनस ए, सी इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू माइनस ए, वैसे इधर जाएगा माइनस ए बचेगा, और माइनस ए कितना है वन, तो सी भी कितना है माइनस वन, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू माइनस वन, ठीक है। नोट करो सारा एक बार, ये सभी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट, इन फर्स्ट लेमडा कितना जाएगा के एच, एच के पावर ए, ए कितना है हमारा वन, तो वन हट गया कोई बात नहीं, एम, एम के पावर बी, बी कितना है माइनस वन, माइनस वन, फिर क्या है बी, v के पावर क्या है माइनस सी, सी क्या है सॉरी v और c, c की वैल्यू क्या है माइनस वन, हम इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं ना सिंपल फॉर्म में, k h अपॉन m ऊपर है पावर वन है नीचे क्या हुआ प्लस वन, ये पावर ऊपर है नीचे क्या हुआ प्लस वन, बस ये रिलेशन, तो रिलेशन आ गई लैम्डा इक्वल टू k h अपॉन m v। अगर आपको ड्राइव भी करवाएगी तो ड्राइव करो फॉर द एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। तो ये क्या है, ये ड्राइव द एक्सप्रेशन है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या करना था, फर्स्ट में कॉन्स्टेंट निकाला था हमने, सेकंड में क्या किया था हमने, सेकंड में हमने उसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है, किनको यानी क्या बोलते हैं उसको हम करेक्टनेस को चेक किया गलत है या इक्वेशन नहीं सही है, ठीक है। थर्ड में क्या किया था हमने, थर्ड में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट को वन सिस्टम ऑफ यूनिट को से अदर सिस्टम में कन्वर्ट किया था। फोर्थ इस डायमेंशन के एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं, फोर्थ में हम कर रहे हैं कि रिलेशन निकाल रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है, कर लिए। और करते हैं एक बार इसमें क्वेश्चंस, इसमें बिठा दो, अल टाइप लेके चलता हूं मैं, एक अलग टाइप लेके चलते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन में ये देखा है, इफ द वेलोसिटी v फोर्स f एंड टाइम t आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या क्या है वेलोसिटी v फोर्स f एंड टाइम t, इफ द वेलोसिटी v फोर्स एंड टाइम टी और टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मास एंड द एनर्जी, देन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर वन मास एंड नंबर टू एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किस किस के बेटा, वी एफ एंड टी की टर्म, ठीक है। अगर वेलोसिटी फोर्स और टाइम आपको फंडामेंटल क्वांटिटी दे रखी है तो एक्सप्रेशन निकालना है हमें मास में, मास का और एनर्जी का, किस टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, फोर्स के टर्म में और टाइम के टर्म में, ठीक है। वेलोसिटी को स्मॉल वी से लिखते हैं, ठीक है, चलो भाई निकालो क्या आएगा। तो फर्स्ट हम पहले पहला पार्ट करते हैं किसके लिए, मास के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा उसी पे डिपेंड है, अभी एप्लीकेशन करो उसी पे कि लेट हम ये मान लेते हैं
मास जो है ना एम, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। मास है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। मास है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। इसकी पावर आ जाएगी ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। ठीक है, कंबाइन करो, कंबाइन करोगे एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के वी पावर ए एफ पावर बी टी पावर सी। सभी का डायमेंशन पुट कर दो, मास का डायमेंशन एम होता है, बस लिख दो भाई। के कोई डायमेंशन नहीं, हटा दो। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, पावर ए, फोर्स एम एल टी माइनस टू, ठीक है, पावर बी, टाइम टी, डायमेंशन ऊपर पावर सी है। ठीक है, चलो भाई दोनों साइड का मास लेंथ टाइम को कंपेयर कर लेंगे, कितना आएगा? मास ए की है एम टू पावर बी, एम पावर बी, एल एल कितना है? एल की पावर ए, ये रहा ए, ये है एल की पावर बी, ये रहा बी ओनली, तो सीधा कर दो ए प्लस बी। उसके बाद टी, टी कितना है? माइनस ए, यहां पे टी कितना है? माइनस टू बी, माइनस टू बी, यहां टी कितना है? सी सी। तो एम तो अकेला हो गया बी, एल हो गया ए, ए फिर बी, और टी हो गया माइनस ए माइनस टू बी एंड प्लस सी। ए बी सी को कंपेयर कर ले पावर्स को, तो यहां बी एम की पावर क्या है? बी, और यह एम की पावर क्या है? वन, तो बी इक्वल टू कितना आ गया? वन। बी इक्वल टू कितना आ गया? वन आ गया। ठीक है, एल की पावर कितनी? ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहां एल है ही नहीं, कितना आएगा? जीरो। ठीक है, चलो आगे, तीसरा क्या है? टी माइनस ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। माइनस ए माइनस टू बी प्लस सी, इधर टी है नहीं, इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू वन आ गया, एक तो सोल्व हो गया। ए भी निकल गया, ए किसके इक्वल है? माइनस बी के, तो ए इक्वल टू क्या आ गया? माइनस वन। ए भी आ गया, ए और बी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो कितना क्या निकालना है? सी निकालना है, तो सी कितना आएगा यहां से? सी आ जाएगा ए प्लस टू बी। ठीक है, ए प्लस टू बी, तो सी इक्वल टू ए कितना है? माइनस वन प्लस टू, टू आ जाएगा ये, तो सी इक्वल टू वन, सी कितना है? वन आ गया। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, तो ए बी सी आ गया बेटा। इस ए बी सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर कहा रहे, तो ये इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट मानते हैं इसी में। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू से पुट करोगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो एम जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? के वी टू पावर ए, ए कितना है? माइनस वन, तो वी पावर माइनस वन, एफ बी, बी कितना है? वन। ठीक है, टी सी, सी कितना है? वन, बस इतना आगे। इसके बाद हम इसको ये कह सकते हैं ना, एम इज इक्वल टू के एफ टी डिवाइड बाई वी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर के वन हुआ तो एम जो आ जाएगा वो एफ टी बाई वी फॉर्मूला बना देगा, तो ये होगा मास का। ठीक है, नोट करो उसके बाद, हो गया। चलो उसके बाद हम करेंगे किसका बेटा? ऐसे ही एनर्जी का डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट से निकालेंगे हम। चलो भाई एनर्जी के लिए करें, देखो एनर्जी के लिए क्या आएगा? सेकंड पार्ट इसके लिए सेम भाई, फिर लाइट एनर्जी ई प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? वी एफ टी, वी के प्रोपोर्शनल टू एफ,
प्रोपोर्शनल टू टी, तीनों को कंबाइन करो तो मैं यानी तुम कितना जाएगा e इज इक्वल टू के वी एफ टी पावर ए पावर बी पावर सी ए बी एंड सी। इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट, सभी का क्या पुट कर दोगे डायमेंशन, सभी का डायमेंशन पुट करोगे तो एनर्जी का डायमेंशन होगा एम एल टू टी माइनस टू, के इक्वल टू अरे हमने मिटा दी बराबर नहीं तो सारा वही दोनों देंगे है ना। स्पीड का क्या जाएगा एल टी माइनस वन, सेम आएगा बेटा वो एल टी माइनस वन, पावर कितना हो जाएगा ए, फोर्स का क्या था बेटा एम एल टी माइनस टू, चलो कोई बात नहीं फिर देख लेंगे दोबारा से। उसके बाद टाइम आएगा उसकी पावर कितनी आएगी सी, जल्दी से कर देंगे बड़ी एम एल टू टी माइनस टू, क्या क्या बना था इसमें एम टू पावर तो बी था है ना, और एल टू पावर कितना था ए प्लस बी ठीक है ना, एल टू पावर ए और एल टू पावर बी तो ए प्लस बी, और टी की पावर क्या थी माइनस ए माइनस टू बी और प्लस ये था बेटा। तो अब इस इक्वेशन से इक्वेशन सेकंड से ए बी सी को कंपेयर कर ले, अब यहां पे m2 पावर b है और ये m2 पावर क्या 1 है तो b इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया। चलो l की पावर क्या है a प्लस b, l की पावर क्या है 2, a प्लस b इज इक्वल टू 2, t कितना है माइनस a माइनस 2b प्लस c, माइनस a माइनस 2b प्लस c, और यहां पे टी कितना है माइनस टू माइनस टू, वैल्यू निकाल दो बेटा बी कितना आ गया वन, बी वन आ गया, ए कितना आएगा ए कितना आएगा ए आएगा टू माइनस बी ठीक है, बी कितना है वन तो ए भी कितना आ जाएगा वन। अब निकालना है सी तो यहां से सी निकाल दो तो सी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस ए प्लस टू बी ठीक है, तो c इज इक्वल टू माइनस टू, a कितना है 1, b भी कितना है 1, फिर 2 आ गया ये कैंसिल हो गया, c भी कितना आ गया 1। तो एनर्जी का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, एनर्जी का जो डेरिवेशन आ जाएगा e पुट इन फर्स्ट k v टू पावर a, v टू पावर a a कितना है 1, उसके बाद f F पावर क्या है बी, बी कितना है वन, ये वन हो जाएगा, टी पावर सी, सी वन हो जाएगा, इसका मतलब बी एफ टी तीनों ही वन है तो एनर्जी जो बनेगी वो ये बनेगी, तो एनर्जी जो प्रोपोर्शनल में होगी वो तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी V के भी F के भी और T के भी ठीक है, उसमें क्या थी एफ वी बाई टी, टी के उसमें इनवर्स थी मास के अंदर, यहाँ पे तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और तीनों की पावर भी क्या आएगी एक एक आएगी तीनों की पावर, तो ये एनर्जी का डेरिवेशन है किस टर्म में फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म में ठीक है। और करते हैं एक बार देखिए सुबह से बता दें बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा डायमेंशन का, फिर उसके बाद डायमेंशन खत्म, उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हैं कोई एक्स्ट्रा कोई और बसे तो बताना, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। आपको दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड द ग्रेविटेशन कांस्टेंट आर द फंडामेंटल यूनिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट टर्म्स आर द डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का हमें निकालना है ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखे क्या क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स
ठीक है। Then what is the value of length? Length पूछा उसने। हाँ। Then what is the dimension of length? Find the dimension of length in terms of किस किस के h, c and g इसके क्रम में निकाल। फिर वही सेम बात है, हमें ड्राइव करना है डाइमेंशनिंग एप्लीकेशन से, किसके लिए ड्राइव करना है, लेंथ के लिए ड्राइव करना है, लेंथ का फाइंड करना है। तो क्या करोगे बेटा, देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है बस। तो बताओ लेंथ, लेंथ कर लेते हैं इसमें। तो जो लेंथ हमारे पास है एल, वो प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, एच के। लेंथ प्रोपोर्शनल मान लेते हैं फिलहाल, लेके चल रहे फाइनल जो फॉर्मूला होता है वो होगा फाइनल, ठीक है ना। अभी उन्हें लेके चल लेट की प्रोपोर्शनल होगा इसके, पर एल प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सभी की पावर दे दो, ए पावर, बी पावर, सी, ठीक है। तीनों को कंबाइन करोगे, तीनों को कंबाइन करोगे इक्वल टू आ जाएगा के, के एच ए सी बी जी सी, ठीक है। सभी का डायमेंशन पुट कर दो, एल का डायमेंशन तो एल ही होगा, के का डायमेंशन होगा नहीं, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट एम एल टू टी माइनस वन, पावर ए सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन एल टी माइनस वन, पावर बी जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, पावर सी। सभी कांस्टेंट टर्म्स यानी कि मास लेंथ टाइम को कलेक्ट कर लें, लेंथ एल इज मास, बताओ क्या क्या बनेगा, एम, एम टू पावर, यहां पे एम के पावर एक है उसकी पावर ए है तो ए बनेगा, एम और बी है गया, एम के पावर माइनस वन और उसके पावर सी तो क्या बनेगा, माइनस सी, माइनस सी। एल बताओ, एल क्या होगा, एल के पावर माइनस टू इंटू ए तो एल टू पावर टू ए हो गया, L2 पावर यहां 1 है और ये b है तो ये हो जाएगा b, L की पावर माइनस थ्री सी एक और है, 3 प्रो में प्लस है, प्लस 3c, 3c और है, ठीक है। t बताओ कितना है, t, t यहां कितना है माइनस a, t यहां कितना है माइनस b, t यहां कितना है माइनस 2c, माइनस 2c। यहां थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सेफ्टी से काम करें भाई, ठीक है। अब इसमें मास, लेंथ और टाइम का जो वैल्यू है वो में, यानी जो कंपेयर पावर है उनको कंपेयर कर लो, कंपेयर द पावर्स ऑफ द मास, लेंथ, टाइम ऑन आइदर साइड्स, लेफ्ट एंड राइट एंड। तो यहां पे मास पावर कितनी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, यहां मास है ही नहीं, a माइनस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई नंबर सेकंड। उसके बाद l की पावर है 2a प्लस b, 2a प्लस b प्लस 3c, प्लस 3c, और यहां पावर कितनी 1, तो इक्वल टू आ गई 1, इक्वेशन नंबर। उसके बाद टाइम यहां कितना है, माइनस a माइनस बी माइनस टू सी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी, और यह टाइम है नहीं, इक्वल टू कितना आएगा, जीरो, इक्वेशन नंबर फोर। अब आपको यहां से ए बी सी फाइंड करना है, इक्वेशन से तीन इक्वेशन है, इन तीनों से ए बी सी कैसे फाइंड करोगे वो बताओ। तो काम कर ले हम क्या कि भाई, अगर हम दोनों को, इन दोनों को एड कर ले तो ए और सी में आ जाएगा ना, ए और सी में आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर करोगे, एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर क्या बनेगा बताओ, टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी इक्वल टू वन, माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू जीरो, एडिंग करेंगे तो हो गया कैंसिल,
माइनस प्लस का टू ए माइनस का ए तो बचेगा ए और प्लस थ्री माइनस टू बचेगा प्लस ए प्लस सी इक्वल टू वन। ठीक है, और हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फाइव। अब दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन है सेकंड और एक इक्वेशन है फाइव। इन दोनों इक्वेशन से ए और सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड फाइव कितना आ जाएगा, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस सी इक्वल टू वन कैंसिल, टू ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू कितना आएगा वन बाई टू, ए इज इक्वल टू कितना आएगा वन बाई टू। तो एक बार नोट करें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले बेटा। ठीक है, अरे बोर तो नहीं हो जाते हो भाई, बोर होने तो नीचे में कैसे सही करवा रहा मेरे हिसाब से तुम। ठीक है भाई, डायमेंशन है ऐसा, डायमेंशन एरर में कोई इंटरेस्टिंग चीज भी नहीं है कि आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊं, नहीं नहीं कोई उठाते हैं। हाँ आगे आएंगे बहुत से चीजें, काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, वर्क पावर एनर्जी में, आगे सभी सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी है सही। तो ए इक्वल टू कितना आ गया वन बाई टू, तो इसकी वैल्यू उठा के बेटा यहाँ पुट कर दें इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा, क्योंकि सी इक्वल टू ए तो आएगा यहाँ पे, सी इज इक्वल टू ए, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी वन बाई टू, वन बाई टू। तो भाई ए भी आ गया सी भी आ गया, बस गया बी, बी निकाल लेता हूं मैं। इक्वेशन आपने नोट कर लिया होगा, बी बताओ कितना आएगा, कहां पुट करें इक्वेशन नंबर, इसमें ही कर लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ किस किस की, ए और सी की, ए एंड सी इन इक्वेशन नंबर फोर, और बी निकालेंगे तो बी इधर ले जाओ, तो बी इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस ए और माइनस टू सी, ये बस। तो B is equal to A कितना है 1 by 2, तो यह है minus 1 by 2, 2 into C भी कितना है 1 by 2, 2 से 2 cancel, minus 1 minus 1 by 2, 3 by 2, minus 3 by 2, तो B की value आ गई minus 3 by 2, minus 3 by 2, तो A की value भी आ गई, B की value भी आ गई, C की value भी आ गई, तीनों value उठा के equation number का ना, तो equation number first में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, क्या आया, पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट, एल इज इक्वल टू के, एच की पावर ए है, ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू आई है वन बाई टू, वन बाई टू। ठीक है, उसके बाद सी है, सी की पावर क्या है बी, बी कितना है माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू। जी की पावर सी है, सी भी कितना है था वन बाई टू, वन बाई टू। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, और इसको आगे सोल्व करें थोड़ा सा इजी बनाए तो क्या बनेगा भाई, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना क्या, और L इज इक्वल टू के एच पावर वन बाई टू, जी पावर वन बाई टू, और C आ गया नीचे, और ये पावर वन बाई टू और उसके पावर थ्री है ना, अरे कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको भी हम। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, चौदह तीनों का रूट करके इसका क्यूब रूट कर दो आप इसको, थ्री बाई टू है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो ना, एल इज इक्वल टू के उल्टा कर दो से, सी की पावर थ्री और उसकी पावर वन बाई टू, ऐसे लिखो इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा के एच जी सी क्यूब और पूरे का अंडर, क्योंकि वन बाई टू के जगह मैं क्या लगा दू अंडर रूट,
तो एच की पावर भी 1/2 हो गया, जी की पावर 1/2 हो गया, सी की पावर 1/2 हो गया, लेकिन सी की पावर क्या है 3, 3 का 1/2 बनेगा। तो ये फॉर्मूला होगा किसका, एल का इन टर्म्स ऑफ एच जी और सी के टर्म में, ठीक है। अरे बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, चलो आ गया सांस आया, तो भी आ गया होगा है ना, ठीक है भाई। तो ये थे डायमेंशन बेटा, मेरी तरफ से मैंने तो जय हिंद कर दिया डायमेंशन को। बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताना, एक काम खुद भी कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ी ना थ्योरेटिकल से बातें हैं वो नोट करना है, इसके बाद में क्या आपको खुद लिखना है वो क्या क्या चीजें। एक तो आपको लिखना है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, क्योंकि आप बुक्स तो ले आए होंगे, ठीक है, उस बुक में से देख के लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन लिख लेना अपने, यहाँ पे छोटा सा काम आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा यहाँ पे, क्या फायदा, आपके पास बुक है और बुक में से देख के लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, 4-5 कम से कम लिमिटेशन है, वो सभी लिमिटेशन उसकी जरूर लिख लें, ठीक है। तो भाई जय हिंद जय भारत, ठीक है, खुश रहो बेटा, बाय, थैंक यू।